हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम नेस्टोरियम प्लांट केयर टिप्स के बारे में बात करेंगे। ये जो प्लांट आप वीडियो में देख रहे हैं, ये है नेस्टोरियम का प्लांट। इस प्लांट को बीज से आसानी से ग्रो किया जाता है। ये अक्टूबर नवंबर में इसको बीज से लगाया जाता है, और जब भी हम इस प्लांट को लगाएं तो इसके लिए मिट्टी वेल ड्रेन ही बनानी चाहिए। ज़्यादा रिच सॉइल इसके लिए नहीं चाहिए, इसको नॉर्मल सॉइल में भी लगाया जा सकता है। रिच सॉइल में इसको लगाएंगे तो इसमें पत्तियाँ ज़्यादा आएंगी, फूल कम आएंगे, तो इसको नॉर्मल सॉइल में ही लगाएं। नेस्टोरियम के प्लांट में जनवरी लास्ट और फरवरी में फूल आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही बसंत का आगमन होता है, इस प्लांट में भी फूल आने शुरू हो जाते हैं, और अप्रैल मई तक इसमें फूल आते रहते हैं। इसके फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, और इस प्लांट को हमें धूप वाली जगह पर ही लगाना चाहिए। छाया वाली जगह पर लगाएंगे तो इसमें फूल कम आएंगे और पत्तियाँ ज़्यादा आएंगी, तो इसको धूप वाली जगह पे ही रखना चाहिए। फर्टिलाइज़र भी इस प्लांट को कम डालना चाहिए, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत इसको नहीं होती। जब भी हमने इस प्लांट को लगाना हो तो इसकी मिट्टी हमें वेल ड्रेन बनानी है, यानी कि उस मिट्टी में 50% गार्डन सॉइल और 50% काउ डंग मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट मिलाना चाहिए। उसमें ये प्लांट आसानी से ग्रो कर जाता है। पानी भी इस प्लांट को ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, हमें इसमें उतना ही पानी डालना है जिससे कि इस प्लांट की मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। ज़्यादा पानी से इसकी जड़ें गल जाएंगी, क्योंकि इस प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, बारीक होती हैं, तो ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। नेस्टोरियम के फूल पॉलिनेटर्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनके हर फूल पर मधुमक्खियाँ आती हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में आती हैं, और दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इधर भी देखिए कितनी ज़्यादा मधुमक्खियाँ एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर मंडरा रही हैं। जैसे ही इनके फूल खिलने के बाद मुरझाने लगते हैं तो हमें इनकी डेड हेडिंग कर देनी है, बीज इनके ऊपर नहीं बढ़ने देने हैं। अगर बीज बढ़ने लग जाए तो प्लांट फिर फूल नहीं देता है, तो इसके लिए हमें इसके जो फूल सूखने लग जाते हैं तो उनकी डेड हेडिंग कर देनी है, फूलों को निकाल देना है। और जो इनकी पत्तियां ख़राब होने लग जाती हैं, जैसे कोई पत्तियां सूख गई, तो उन पत्तियों को भी निकाल देना है। नेस्टोरियम के प्लांट जब सूखने लग जाता है, जैसे ज़्यादा गर्मी ये सहन नहीं करता, तो अप्रैल मई में इसके प्लांट सूखने लग जाते हैं, तब इसके फूल नहीं तोड़ने हैं, उनके ऊपर बीज बनने देने हैं, और वही बीज नेक्स्ट सीजन में काम आते हैं। उन्हीं बीजों से हम नेक्स्ट सीजन के लिए नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप भी नेस्टोरियम का प्लांट लगाइए, और इसको ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पे धूप अच्छे से आती हो, और जो इसकी मिट्टी बनानी हो तो मिट्टी को वेल ड्रेन बनाएं, पानी कम दें, पानी उतना ही दें जिससे कि इस प्लांट की मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। ज़्यादा फर्टिलाइजर की इसको ज़रूरत नहीं होती, और जैसे ही बसंत ऋतु होती है तो बसंत ऋतु में इसमें बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, हरे हरे पत्तियों के बीच में ऑरेंज और येलो कलर के फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में। यह है नेस्टोरियम का प्लांट।